हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं सांबर की रेसिपी। इंस्टेंट सांबर बनाएंगे, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, हार्डली 10 मिनट लगते हैं। तो उसके लिए मैंने ली है 1 कप अरहर की दाल है, कुछ लोग इसे तुअर की दाल भी बोलते हैं। स्मॉल वाला कप मैंने लिया था जिसे हमें सोक करना है 1 घंटे के लिए। मैंने इसे ऑलरेडी सोक कर लिया है, इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं हमारे प्रेशर कुकर में। दाल को अच्छे से वॉश करके इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी, साथ ही इसमें जाएगा 1 घिया का टुकड़ा। मैंने घिया को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, तकरीबन ये 100 से 150 ग्राम घिया है, या फिर आप इसे कह सकते हैं 2 कप्स। 1 मीडियम साइज की कैरेट जिसे मैंने राउंडल्स में कट कर लिया था, 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया था, 1 छोटा सा मैंने आलू लिया था उसे भी मैंने काट लिया था, और 1 छोटा सा प्याज। आप अपनी पसंद के कोई भी वेजेस डाल सकते हैं, ड्रमस्टिक डाल सकते हैं, लेकिन ड्रमस्टिक बच्चे खाते नहीं है तो मैं इसे इसमें नहीं डाल रही हूँ। साथ इसमें जाएगा 1.5 चम्मच नमक। इसे हम लिड से कवर कर देते हैं। इसे मैंने लिड से कवर कर दिया है, इसे अब हम रखेंगे फुल फ्लेम पर और उस पे देंगे 1 विसल। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे हम देंगे 2 विसल। टोटल इसमें जो विसल आएंगी वो आएंगी 3। हमारा प्रेशर रिलीज हो चुका है, दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, वेजेस भी अच्छे से बॉईल हो गई है। इसे हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तड़का बना लेते हैं। आप चाहें तो छोटे पैन में भी बना सकते हैं। मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। घी के गरम होने पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को हम क्रैकल होने देते हैं। मस्टर्ड सीड्स हमारे क्रैकल हो गए हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ 4 ड्राई रेड चिली, 10 से 12 करी पत्ते, 7 हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून सांबर मसाला, और इसके साथ ही जाएगा 1 टेबलस्पून वाटर, ताकि जो हमारा सांबर मसाला है वो गले ना। मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। 1 चम्मच पानी और डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं इसे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून गुड़ की खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इमली का पल्प डाल लीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिएगा। गुड़ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सांबर में। इसे कर लेते हैं मिक्स। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्लेम हो वो लो हो, अगर फुल फ्लेम या मीडियम फ्लेम रखेंगे तो आपके मसाले जल जाएंगे। इसमें हम ट्रांसफर कर लेते हैं हमारी दाल, मिक्स कर लेते हैं। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सांबर मुझे भी थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं इसमें 1/2 से 1.25 ग्लास पानी और डाल रही हूँ। बॉईल करते हुए बहुत ज्यादा पानी इसलिए ऐड नहीं करना, अदरवाइज वो आपके कुकर में से बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। इसे हम पकने देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे सारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। लिड से कवर कर देते हैं, और लो टू मीडियम फ्लेम इसे हम 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, सांबर हमारा अच्छे से पक गया है। इसमें जो मैंने सांबर मसाला यूज किया है वो मैंने यूज किया है एवरेस्ट ब्रांड का। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। मैंने एवरेस्ट ब्रांड के 2 टेबलस्पून डाले हैं सांबर मसाले के। आप देख लीजिएगा कि अगर आप किसी और ब्रांड का यूज कर रहे हैं तो वो कितना जाएगा, क्योंकि सबके फ्लेवर्स अलग होते हैं। गैस को हम कर देते हैं बंद, और इसे हम कर लेते हैं सर्व। सांबर को मैंने सर्व कर लिया है, बहुत टेस्टी बना है, मार्केट से भी अच्छा बना है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया। आप कभी भी बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। एक तो सांबर को थोड़ा सा लिक्विडी रखेगा, क्योंकि अरहर की जो दाल होती है वो ठंडी होने के बाद काफी थिक हो जाती है,
फिर आपका सांभर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। दूसरी टिप ये है फ्रेंड्स कि आप इमली के पल्प के साथ गुड़ जरूर डालिएगा। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिएगा या चीनी डाल लीजिएगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल बटन दिया है उसे भी दबाना मत भूलिएगा। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।